सुनो, ये अंदर की बात है। हम शिवा जब कहते हैं ना, तो जो सब में भी है, सब मतलब जो मृतक देह है, जो सब में भी है वही शिवा है। अघोर लोग, अघोर की भी रास्ता है परमात्मा की। अघोर का मतलब पता है आपको? अघोर का मतलब ही परमात्मा, शब्द ही कह रहा। अघोर, अघोर मीन्स व्हाट? घोर नहीं, घोर में तो मिलावट है। अघोर जिसमें मिलावट नहीं है, निर्गुण की बात कही जा रही है। अघोर तो जो सब में, और वो लाश पे, सब पे बैठ के वो ध्यान करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, कुछ जप करते हैं। अघोरी लोग उसको खाते भी हैं। तो अघोरियों के अपनी एक रास्ता है। वो उनमें ये मैसेज दिया जाता है कि संसार के जो लोग जिन वस्तुओं को घृणा करते हैं, हम उसे भी स्वीकार करके मैसेज देंगे कि तुम्हें कोई भी तत्व को घृणा नहीं करना है। इसीलिए वो मांस को जो फेंक देते हैं, उसे भी हम खा कर दिखाएंगे कि इसे भी तुम घृणा मत करो। उनका एक मैसेज है ये। उनको घृणा कहीं किसी से कुछ नहीं करना है, वो प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। वो एक मार्ग अलग है, पहली बात है। तो इस प्रकार से यात्रा तो आपको चलते रहे पे चलते रहेगी, जब तक आप अघोर ना हो जाओ, जब तक उस परम शून्य ना हो जाओ। जब हो जाओगे तो सब में भी जो है वो जब हो जाएगा, तब आप देखोगे मैं जो कह रहा था यहाँ, ये प्रकृति रूपी जो शरीर है, सबने कहा कि तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, ना इंद्रिया हो, इनसे परे हो। तो वो परे वाला सत्ता में जाके आप स्थित हो जाओगे। और ये जो है, ये जो चलता फिरता घूमता, अब ये चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, तो जहाँ पे गति है, जहाँ पे क्रिया हो रही है, जो गति है वो तो प्रकृति है। क्योंकि परमात्मा तो अचल है, अविचल है, निसीम आकाश की भांति सर्वव्यापक, अविकारी है, अविनाशी है, स्थिर है, वो तो चलता फिरता नहीं है। तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है, भगवद गीता में कहते हैं कि आत्मा निकल कर दूसरे के शरीर में जाती है। ये तो सबसे बड़ी अहम भाव है कि मेरी आत्मा आपकी आत्मा। अरे मेरी आत्मा आपकी आत्मा के भाव में जुड़ गया तो परम शांति कैसे मिलेगी? अभी भी तो मेरी और आप और मैं, तुम और मैं बना ही है। तो तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा का भी भाव जब तक बना है, तब तक परम शांति नहीं मिलेगी। दुविधा ही है, द्वंद्व ही है, ये द्वंद्व ही है। तो अब जो सब में भी है, अभी है, वह मिला कि नहीं, उसमें आप स्थित हो गए। तो ये जो शरीर है, ये शरीर, अब आपको ये शरीर मिला था। जब हम जीव कहते हैं तो समझ लेना, जीव आत्मा, आत्मा को हम ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, वो जो परमात्मा और प्राण, इन तीन चीज को समझने के लिए अलग अलग समझना पड़ेगा। आपका प्रश्न जहां से अभी जागृत हुआ है कि आनंद का अनुभूति कौन करता है, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि हम जहां से प्रश्न करते हैं वहीं से अभी उत्तर देंगे। एक जगह जब वो सब में भी है, वो ब्रह्म, तो वहाँ पे रहने से ये सवाल भी उठेगा नहीं, वो सवाल भी नहीं आएगा कि वहाँ पे तो एक कहना भी गलत है फिर। लेकिन अभी हम जहाँ हैं, यहाँ से प्रश्न की बात करें। अच्छा प्रश्न है कि कौन आनंद की अनुभूति करता है? जीव आत्मा और प्राण को समझते हैं। ये द्वैत में आ गए हम, जिसमें सदा द्वंद्व रहेगा। इसमें गुरु ही जितने बोलते चला जाता है द्वैत में, वो अपने बातों में भी फंसते चला जाता है, क्योंकि द्वैत द्वंद्व के आधार पर है। द्वंद्व सदा रहेगा इसमें, इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। नहीं तो द्वैत की जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो द्वंद्व है, वो द्वंद्व पे ही खड़ा है। इसीलिए हम जितना लाख समझा ले, द्वंद्व रहेगा ही। एक मिनट। तो जब वह परमात्मा या जो आत्मा, जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रकृति के जैसे कंटेक्ट में, संपर्क में आता है, सन्निकर्ष में आता है, तो वहाँ से जब सृष्टि बनती है, तो उसमें ढेर सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी, वही स्पिरिट अलग अलग लेयर्स, अलग अलग दिशाओं में, इन मैनी एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डायरेक्शंस, इन मैनी, अपने आप को डाइवर्सिफाई किया उसने।
अब हुआ क्या कि उसी में से आप जल सूर्य के होने के कारण आपको भी ये शरीर मिला। लेकिन जब शरीर मिला तो यहाँ से हमें लगता है मैं शरीर में अलग, मैं मन अलग, मेरी बुद्धि अलग। तो ये मन बुद्धि जैसे ही वो संपर्क में आया ना, तो संपर्क में आने के कारण जीव भाव अलगाव का प्राप्त हो गया। जब जीव बनता है वहाँ से तो जीव को लगता है कि मैं अलग हूँ, और उसके अपने मन और बुद्धि की उपाधि मिल जाती है। वो उपाधि ही, वो कॉन्टेक्ट ही, वहाँ कॉन्टेक्ट से ही द्वंद्व स्टार्ट होता है, और उसी कॉन्टेक्ट के द्वंद्व से ही जीव भाव प्राप्त हो जाता है कि मैं अलग, मैं अलग। उसी मैं में फिर मन बुद्धि की उपाधि मिल गई। ये उपाधि क्या है? जीव भाव है। बस ये उपाधि ही जीव भाव है। जैसे ये उपाधि की पूरी तरह से निवृत्त हो जाती है, तो जीते जागते ये जो जीव है ब्रह्म, ये जब सहस्रार खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है सब, तो पूरे ब्रह्म के साथ वो योग में आ जाता है। तो योग में आते हुए यहाँ से वो सर्वव्यापक ब्रह्म जब है, जो है भी नहीं भी है, उसके साथ जब हो जाता है पूरी की तरह, तो वो स्वयं नहीं होता है, जो है सो है, वो ब्रह्म ही होता है। फिर ब्रह्म ही होता है, लेकिन फिर दिखने में आता है कि शरीर में कुछ तो है, ये तो ब्रह्म का फिर विस्तार है। तो उस विस्तार और समष्टि मन के लय में ये शरीर भी बहता है, उसके जो कुछ भी घटनाएं घटती है वो ब्रह्म के विस्तार में अपने आप घटता है, उसमें नए कर्ता ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरह से। तो अगर आप जीव समझ रही हो, तो उसी कॉन्टेक्ट के वजह से एक जो चिंगारी है, जो एनर्जी कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल आत्मा, वही जीव। अब जीव जब तक शरीर में है, एक तो स्थूल शरीर हो गया, अब जीव है, अब जीव के साथ साथ अब जीव इस शरीर में कब तक रहेगा? जब तक ये जो प्राण वायु है, प्राण आ रहा है जा रहा है, ये प्राण वायु सेतु है, ये प्राण वायु ही उस जीव और शरीर को दोनों को बांध के रखता है। ये प्राण जैसे ही निकल गया, एक ही प्राण है लेकिन पंच जगह में विभक्त किया हुआ है अपने आप को, तो हम अलग अलग प्राण से जानते हैं, प्राण वायु कहते हैं, उदान वायु कहते हैं, फिर अपान वायु कहते हैं, इस तरीके से समान वायु कहते हैं, पंच प्रकार के जो वायु है जितने, उसको विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो ये अब जो जीव है, तो अंत में जितने वायु है और उस उन पांच वायुओं का भी उपवायु होती है, जो सखाए होते रहते हैं। तो जब वायु भी निकलता है, तो कोई भी इंसान एकदम से एक बार में मृत्यु नहीं होती है उसकी। वायु एक एक करके उसका समय होता है, 8 घंटा 10 घंटा, उसके बाद ये इतने घंटा में ये वायु निकला, ये वायु निकला। तो इस तरीके से संपूर्ण जब वायु निकलता है, तब ही यह शरीर पूरी तरह से डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व होकर अपने फिर जहाँ से ये आया था, अपने इन्हीं तत्वों से इनमें फिर परिणित हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि एनर्जी को तो कोई क्रिएट भी नहीं करता है, ना डिस्ट्रॉय भी करता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है, आप सभी को पता ही है। इस तरीके से ये अपना परिवर्तित होकर चला गया। अब रही बात वो जो जीव है, अब जीव इतना ही सूक्ष्म है कि इन आँखों के लिए वो संभव नहीं है देखना, क्योंकि ये आँखें बनी है सिर्फ 3 आयाम वाली चीज़ों को देखने के लिए, 3 डायमेंशनल चीज़ों को देखने के लिए। वो 1 आयाम वाली होती है, जिसको ये आँखें नहीं देख सकता है, उसको हम नहीं देख सकते हैं। अब वही जीव उदान वायु के सहारा, उदान हमारे अंदर वायु है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। जब प्रकृति आपका शरीर बना सकती है, आँख नाक कान बना सकती है, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं बना सकती है कि उदान वायु के सहारा वही जीव विचरण करता है। लेकिन उसका विचरण इतनी सूक्ष्म है कि आप और हमारे बीच कितनी सूक्ष्म यात्रा हो रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से बैठे हुए हमारे, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ बजा रहा हूँ, अब बजा रहा हूँ तो आपकी आवाज़ आप तक पहुँच रही है ना। सूर्य वहाँ है लेकिन उसकी रोशनी यहाँ तक पहुँच रही है। इसी तरह गुरु यहाँ होता है, और गुरु की जो तरंग है, गुरु की जो वाइब्स है, जो एनर्जी है, जो ऑरा है, या जो विचार है, या एनर्जी ट्रांसमिट होकर वहाँ तक पहुँच रही है ना कोई सहारा से। स्थूल रूप में मोबाइल में कोई मैसेज भेजते हैं तो दूसरे मोबाइल में पहुँचती है, लेकिन मैसेज जब जाती है तो हम देखते हैं, नहीं देखते हैं। इस चीज़ को जिसने पकड़ा, उसने इंटरनेट की आविष्कार की, उसने रेडियो सिग्नल सबको पकड़ लिया। तो इसी प्रकार जब अब रेडियो के सिग्नल अब बज रहा है, तो वो भी तो सिग्नल आ रहा है, तो भी तो हमें नहीं दिखता है। तो आप क्यों परेशान हो कि मैं आंखों से देखूं कि जीव कैसे निकल के क्यों जाता है? जैसे ये सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे मैसेज जा रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता, उसी तरह से वो भी सिग्नल जीव का अपना जो क्वालिटी है। अब जीव की क्वालिटी क्या,
उसके उसी जीव में वो सब कुछ निहित रहता, उसके प्रारब्ध, उसके मेमोरीज, उसके अर्ज, सब कुछ। तो चेतना यानी यहाँ पे हम इंडिविजुअल चेतना को जीव भी कहते हैं। तो इंडिविजुअल चेतना की विकास जिस प्रकार से हुई है, जिस प्रकार से विकास हुई है, उसी विकास के स्तर के अनुसार ऑटोमेशन में होता है। ऑटोमेशन का मतलब स्वतः होता है, ये चीजें करने वाला कोई नहीं है, ये अपने आप उसी जिस प्रकार से उसकी विकास हुई है उसी प्रकार के प्रकृति के क्षेत्र में चला जाएगा। यानी एक माता एक पुरुष, अब कोई मीट मछली खाकर अपनी चेतना का विकास जो किया है वो नीचे थोड़ा सा कर लिया है, अब वैसे ही गर्भ में जाएगा। जो माता पिता थोड़ा नेगेटिव रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मीट मछली खाते हैं, टेंशन एंग्जाइटी में रहते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी उस पर लगी हुई है ना, और ये भी वही पे है, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे इनको योग हो जाता है। अब ये किस प्रकार होता है, कैसे होता है, ये अत्यंत सूक्ष्म व्यवस्था है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं कहूँगा आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, अब मुझे ये कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ से यहाँ बहुत कुछ घटित हो रही है, वो भी तो दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो इस प्रकार से प्रकृति के अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवस्था में ये चीज़ें घटित होती है। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, ध्यान की दृष्टि चाहिए, कुछ लोग अनुमान की दृष्टि कहते हैं, लेकिन मैं अनुमान की दृष्टि को नहीं, प्रत्यक्ष में कोई अनुमान की जगह नहीं है, प्रमाण की भी जगह नहीं है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की अनुमान की कोई जगह नहीं है। ये मेरे लिए ये सब प्रत्यक्ष आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें मुझे सब कुछ सूक्ष्म व्यवस्थाएं पूरी सटीक तरीके से, ये आपको मैं पूरी तरह से एक सिग्नल भेज रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती है। तो जीव उसी क्षेत्र में चला जाता है, उसी पर आप कैसे प्रवेश करें, एनर्जी को प्रवेश करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी किसी भी जगह प्रवेश कर सकती है, लेकिन एनर्जी भी कहना वहाँ पे थोड़ी सी गलत हो जाएगा क्योंकि इतनी वो सूक्ष्म व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरीके से वो जो जीव है वो कहाँ से, अब जब सृष्टि जब बन रही थी तो प्रकृति के संपर्क में जब आया तो जीव भाव प्राप्त हुआ, और वो जीव भी एक चिंगारी है, आप परमात्मा की चिंगारी समझ लो, वो जब तक इस शरीर में है तो वो जो जीव है वही आनंद को अनुभव करता है, क्योंकि जीव का भी अंतिम जो स्वरूप है नित्य आनंद स्वरूप है, इसीलिए वही आनंद की अनुभूति करता है, वही आनंद की अनुभूति करता है। जो पूरी तरह से इस खेल को समझ लिया, पूरी तरह से आत्मबोध हो गया, तो शरीर के अंदर वो क्या देखता है यह समझ लो, वो तो देखता है कि मेरी जो स्थिति है निर्गुण ब्रह्म की है, मैं तो एम्प्टीनेस हूँ, मैं खाली हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, नथिंगनेस हूँ। अब ये तो शरीर और शरीर के अंदर जो भरे पड़े एनर्जीज है, बुद्धि है, मन है, गुस्सा है, आसुरिक वृत्तियाँ है, ये सब तो प्रकृति के विभाग है, मैं तो दृष्टा मात्र परमात्मा स्वरूप, तो ये तो प्रकृति के विभाग है। तो अपने शरीर के अंदर ही उन सारी फैकल्टीज को देखता है कि मेरे शरीर के अंदर कौन कौन सी फैकल्टीज जागृत है और कौन सी फैकल्टीज क्या रासलीला कर रहे हैं अंदर, और ये भी देखता है कि ये कौन आनंद की अनुभूति भी कर रहा है, उसको भी देखता है, वो नहीं करता है लेकिन कौन कर रहा है उस पर भी उसकी दृष्टि है। और अंत में जो एक छोटी सी चिंगारी जो बचा हुआ है वो अंत में महापरिनिर्वाण जो बुद्ध कहते हैं या जो महासमाधि, जो अंत में वो चिंगारी भी खत्म हो जाएगा, तो ये शरीर भी गुरु का भी खत्म हो गया, या यहाँ लीन हो गया वहाँ लीन हो गया, तो सारा खेल ये परमात्मा की व्यवस्था से हो रही है, वही लीला रच रहा है, वही खेल भी रचा है, वही खेल के नियम भी रचा है। इस तरीके से हम कह देते हैं कि रचा है रचा है रचा है, लेकिन एक जगह में वो रचनाकार भी नहीं है, ठीक है जी, वो रचनाकार भी नहीं है, तो अंत में वहाँ पहुँचना, और एक जगह में एक तल पे प्रकृति के साथ है तो रचनाकार भी है, ये सबको मिलेगी। हाँ, जितने बैठे हो रहे हैं ना, टाइमलेस, आप मेरे साथ रहोगे 12 साल तक हिमालय में, मान लो 12 साल को याद दिलाना पड़ेगा, 12 साल बीत गया, यहाँ पे कैसे बीत गया 12 साल, समय क्या है ये, कुछ पता नहीं चलेगा, समय का बोध नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा चलो चलो।